गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने इतिहास का टेस्ट हुआ था और यह इतिहास का अपने सेकंड टेस्ट था, दूसरा टेस्ट था जो अपने तीसरे और चौथे चैप्टर का हुआ था। आज अपने इस टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूं कि यहां पर अब आप चेक कर सकते हो कि आपके द्वारा कहां किस प्रकार की कौन सी गलतियां की गई है, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी अपने सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले जिन बच्चों ने इस टेस्ट में टॉप किया है, मतलब जो टॉप 10 बच्चे हैं, उन टॉप 10 की सूची में आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये सबसे टॉप पे अपने जो 10 बच्चे रहे हैं उनमें रिंकू कंवर है जालोर से, आकाश कुमार सिरोही से, युवराज बीकानेर से, बिमला मीना जयपुर से, हरीश बाड़मेर से, रघुवीर मेघवाल, इन्होंने जिला नहीं लिखा अपना, हनुमान सेन बाड़मेर से, भरत सिरोही से, सुभाष भरतपुर से और रानी जयपुर से। ये 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस टेस्ट में क्या किया है, टॉप किया है। अपने लगभग 113 कॉपियां मेरे पास आई है, उन 113 में से ये 10 बच्चे क्या है, अपने टॉपर्स है। ठीक है, अब देखो भैया, इस वीडियो का अपने सॉल्यूशन करने से पहले एक दो बातें मैं आपके साथ में और शेयर करूंगा कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इसी टेस्ट में एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। ठीक है, खास तौर से जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैंने किसी की कॉपी चेक कर दी, मैंने लिख दिया आपके सभी सही है, ऑल राइट या वेल डन, तो बच्चे क्या करते हैं उसके आंसर की कॉपी कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा अपने से कल जियोग्राफी का टेस्ट होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उस नेक्स्ट टेस्ट में आपके कमेंट बॉक्स में जो आंसर आएंगे उनको मैं सबसे लास्ट में चेक करूंगा, ताकि वहां पर किसी प्रकार की कोई एक दूसरे की नकल ना कर सके। अब यहां से आप अपने आंसर चेक कर लेना कि कहां पे आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ, जिसका क्वेश्चन है वी एस सुपांकर। सेकेंड है भैया, एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था, निषाद था। थर्ड है, महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर स्त्रियों को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दी, आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था। फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, भैया ऋग्वेद है। पांचवा है, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था भैया गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओके, छठवां है, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे समर्पित किए, ये कई बच्चों ने गलत किया है, कई सुल्तान जहां लिख रहे हैं, कई शाहजहां लिख रहे हैं, शाहजहां बेगम। ठीक है, इसका आंसर सुल्तान जहां बेगम भी है, ध्यान रखना। सातवां है, सम्मिलित करना है आपको अमरावती, अमरावती हो गया अपने आंध्र प्रदेश से, सांची सांची आपको पता ही है अपने कहां पे, एमपी में, भोपाल में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में हो गया, एलोरा महाराष्ट्र में है ही अपने। ठीक है, आठवां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है, यह कथन किसका है, यह महात्मा बुद्ध का है भैया, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जो भी आप लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट भैया, जेम्स फर्गुसन ने वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र किसे माना है, सांची को माना है। दसवां है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, कैलाशनाथ मंदिर भैया एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। ग्यारहवां है, बौद्ध ग्रंथों से हमें कितने संप्रदायों की जानकारी प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रंथों से भैया हमें 64 संप्रदायों की जानकारी प्राप्त होती है, ये भी कई बच्चों ने गलत किया है, बच्चे हीनयान महायान इस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कितने संप्रदायों की, संप्रदाय की बात कर रहा है भैया, तो 64 संप्रदायों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये सब बताया आपको गलत क्यों होते हैं आपके क्वेश्चन इस प्रकार के, क्यों, क्योंकि आप 90% बच्चे जो है वो कहां से पढ़ते हो, पासबुक डेस्क वर्क इनसे आप पढ़ते हो, आप में से मुश्किल से 10 से 15% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने किताब का चैप्टर पढ़ाया अभी तक, कोई नहीं पढ़ता, सब शॉर्टकट में चल रहे। देखो पासबुक से पढ़ने से अच्छा है आप अच्छे नोट्स पढ़ो, आप बुक से पढ़ो भैया, आपने मॉडल पेपर देखे होंगे पिछले साल के, पेपर देखना आप कहीं से बीच में से कोई सी लाइन उठा के डाल देता है अगला, अब ये मैंने बीच में से उठाया पार्ट के कि बौद्ध मतों से हमें कितने संप्रदायों की जानकारी प्राप्त होती है, बीच में लाइन लिखी हुई थी वहां पे मैंने उठा के डाल दिया इस क्वेश्चन को, या आपको लिख सकता पूछ सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन एम्बेसडर टाइप में पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है आपको। ठीक है,
नेक्स्ट अगला, यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना किसे बताया? भैया बुद्ध, महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व के ऊपर बनी जो मूर्तियां हैं उनको, ठीक है। 13वां है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे? भैया महाभारत की मूल कथा के रचयिता थे भाट सारथी या सूत जिनको अपने कहते हैं। 14वां है भैया, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? बीपी लाल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। 15वां है भैया, चांडालों के कर्तव्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भैया जो चांडाल होते हैं इन चांडालों के कर्तव्यों का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है जो मनु के द्वारा लिखी गई थी। यह भारत का पहला विधि ग्रंथ था और इसमें कहा गया है कि चांडाल जो है वो गांव से बाहर रहते थे, प्याज लहसुन वगैरह खाते थे, जब गांव में आते थे तो ढोल नगाड़े बजाकर आते थे, ये मर्द पशुओं को उठाने का कार्य करते थे, अंत्येष्टि का कार्य ये करते थे, ठीक है। तो ये अपने भैया इतिहास का सेकंड टेस्ट था, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूं। एक बार फिर से जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। अपना नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो कल होगा और आपका नेक्स्ट टेस्ट जियोग्राफी का है, सेकंड टेस्ट होगा तीसरे और चौथे चैप्टर का, ओके भैया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।